बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के महान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन भारत के मूल्यों व आदर्शों की स्थापना के साथ ही जमीनी धरातल से जुड़े किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए समर्पित था। सीएम ने कहा कि चौधरी साहब का स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव की पगडंडी से होकर जाता है। अन्नदाता किसान गांव का विकास व समृद्धि का आधार है। किसान सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए लगातार समर्पित भाव से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ देश में उत्तर प्रदेश के किसानों को प्राप्त हो रहा है। अब तक 2,12,000 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चौधरी साहब की कर्मभूमि छपरौली की चीनी मिल का नवीनीकरण व पुनरुद्धार भी डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। उनके सपनों को साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। किसानों, प्रदेश और देश के विकास के लिए उनके किए गए प्रयासों और कार्यों के लिए स्मरण करते हुए सीएम ने उनकी स्मृतियों को नमन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री जेपीएस राठौर, राज्य मंत्री केपी मलिक, विधायक जय प्रताप सिंह, नीरज बोरा आदि मौजूद रहे। महान किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन और प्रदेशवासियों की ओर से महान किसान नेता चौधरी साहब को स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का पूरा जीवन भारत के मूल्यों आदर्शों की स्थापना के साथ ही जमीनी तल से जुड़े हुए अन्नदाता किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था।